सबको दिल से दुआ देना चाहता हूँ, सबको बधाई देना चाहता हूँ और सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमारे बर्थडे पे सारे लोग शरीक हुए। हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लोग आए, हमारे भाई आए, हमारे दोस्त आए, फिल्म स्टार्स आए, डायरेक्टर्स आए, पीआरओ आए और इससे बड़ी खुशी की बात कुछ हो नहीं सकती। मेरे पास शब्द नहीं कुछ बोलने के लिए, मज़ा आ गया, बस सिर्फ मज़ा आ गया। मेरा जस्ट एंजॉइंग रॉकिंग लाइक एनीथिंग। अच्छा, आज इतना अच्छा मीडिया ये सब कुछ नहीं है, ये आप बोल रहे हैं डांस वांस कुछ नहीं है, बस साथ में हमारे भाई इतने बड़े भाई हैं, स्टार हैं, इनके साथ में इनके जो आदमी इनके लेवल में आके मैं खुद भी डांसर बन गया। हालांकि मैं कुछ नहीं हूँ उनके सामने, तो भाई हमारे इनके साथ में फिल्मों में काम किया है, मुकेतर में काम किया है, कई फिल्मों में काम किया है, अंधाधुन में किया है। भाई का जो काम है, जो काम में डेफिनेटली उनके साथ आते हो आप किसी बड़े आर्टिस्ट के साथ में, तो आप भी उसी लेवल के पहुंच जाते हो, तो शायद हमारा डांस आपको ऐसा लगा होगा कि मैं अच्छा कर रहा हूं, बट ये भाई की कृपा है। देखिए, ये इतने बड़े इंसान, इतने अच्छे इंसान, इनके आज अपना जन्म, इनके शुभ मौके पर अगर मैं जितनी भी तारीफ करूँ इनकी कम है। और ये मैं ऐसा बोलना चाहूँगा, हमारे इस समय सामने है संजय भूषण पटियाला जी, जो इस समय टॉप मोस्ट प्यारों में से आते हैं। राकेश जी का आज बर्थडे है, पहले तो मैं इतनी सारी ढेर सारी दुआएं दूंगा, जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरा भाई जो तरक्की पे है, मैं चाहता हूँ उससे और ज़्यादा तरक्की करे और इतना सारा प्यार मिले मीडिया का और दर्शकों का। इन्होंने ये पैसे से एडवोकेट है और इनके अंदर जो एक्टर छुपा है वो लोगों को नहीं पता है। इन्होंने मेरी इतनी तारीफ़ कर दी है, लेकिन सच्चाई में ये है कि मैं इनसे सीखता हूँ, बहुत सी चीज़ें इनसे सीखता हूँ जो इन्हें मालूम है वो मुझे नहीं मालूम है। इन्होंने अंधा कानून की मेरे साथ मुकद्दर की, अभी आने वाली फिल्म मेरी अपराधी है और साजन है और महारथी है, तो उनमें हम साथ में काम कर रहे हैं। लीजेंड मैन है, लीजेंड वकील है, लीजेंड एडवोकेट है। आज जन्मदिन के मौके पर मैं चाहूँगा कि इनको इतनी सारी खुशियाँ मिलें जो इनके दामन में ना दामन में ना समाया, तो मैं चाहूँगा मेरे दोस्त को इतनी सारी खुशियाँ मिले, इतना सारा प्यार मिले। आज इनको लॉयर के साथ साथ लोग आज इंटरटेनमेंट में इतना प्यार करने लगे हैं, आज इन्हें एज ए एक्टर लोग जानने लगे हैं, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। अभिनय मैं बोलना चाहूँगा, अभिनय आप मुकद्दर देखिए तो किसी लेवल पर आपको लगेगा ही नहीं कि ये एक्टर नहीं है। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, वो हमारा दुर्भाग्य है कि मेरी माँ का इंतकाल हो गया था, इसलिए मलेशिया में या वहाँ मेरी फिल्म नहीं जा पाई अवार्ड के लिए। मुझे यकीन था कि मेरी बेस्ट फिल्म भी अवार्ड मारती और बेस्ट म्यूजिक भी अवार्ड मारता और कहीं ना कहीं मेरे नागेश जी को बेस्ट एक्टिंग के लिए अवार्ड मिलता। जी क्या बोल रहे हैं, हमारे जन्मदिन पे अभी खेसारी जी आने वाले थे, तो थोड़ा सा उनको किसी वजह से उनके उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव भेजा, सोनू जी आए थे हमारे बीच में, राजकुमार पांडे जी हैं, चिंटू पांडे हैं, सबसे बड़े हमारे सेलिब्रिटी संजय पटियाला जी हैं, जो कि संजय कुमार पटियाला जी हमारे हर चीज़ को जो कि जर्रे को आफ्ताब बनाना, नीचे जो जमीन में छिपी उसको खजाने को सामने लाना, ये बहुत बड़ा आपके ये तारीफ़ के काबिल हो आप। ये संजय पटियाला जी हैं, फिर हमारे चुन्नू भैया अमिताभ गुंजन जी हमारे बीच में और उन्होंने हमारे बीच में शिरकत की, हमारे सामंत कुमार जी हैं, मनोज ओझा जी हैं, एक से प्रताप बारोट जी हैं, दिलीप सेन जी आए थे हमारे बीच में, हमारे बत्रा जी आए थे, कितने लोग हैं, मतलब जितने फ्री फिल्म इंडस्ट्री की लगभग आधी फिल्म इंडस्ट्री यहाँ पे आ गई थी, सबका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि हमारे बीच में आके शिरकत की, आप लोगों ने एंजॉय किया और हमारे एक बर्थडे पार्टी, ये तो महान होता है, हम एक मिलने जुलने का एक कार्यक्रम रखते हैं, सबको सब एंजॉय ने सब लोगों ने किया सब और सबको अच्छा लगा। और साथ में सबसे बड़ी बात है कि शमीम भाई के साथ में मैंने जितना काम किया इतना अच्छा मेरे साथ मेरा इनका अनुभव रहा और बहुत ही मैं कंफर्टेबल के साथ में काम करने में रहा। और आगे जैसे तीन फिल्मों का नाम लिया उन्होंने, तो मैं यही चाहूँगा कि मैं तीन नहीं, मैं आगे 30 फिल्मों उनके साथ काम करूँ और वो 30 की 300 फिल्में रॉक में रॉक करें। ये ठीक है, एक बार देर है, अंधेर नहीं होता, किसी वजह से मदर का इंतकाल हो गया, बट ये नहीं, अगले साल पिक्चर जरूर आएगी, रॉक करेगी। लोगों को, दर्शकों का जो प्यार है, दर्शकों की जो तालियां हैं, वही हमारा सच्चा अवार्ड है, वही हमारा सच्चा प्यार है। और ये बस शमीम खान, आज शमीम खान ने आज मुन्ना भाई के नाम से जाना जाता है, उस कैरेक्टर का नाम मुन्ना था, तो एक बार जोरदार ताली बजाऊंगा शमीम भाई के लिए फिल्म मुकद्दर के लिए। सर मैं कहना चाहूँगा कि आपकी मुकद्दर जो है कि सुपर हिट हुई, तो जो अभी अगली फिल्म आने वाली है मुन्ना साहब का, जो कि शमीम खान के नाम से जाने जाते हैं, साजन और उन्होंने बोला आवारगी, तो इसके लिए आपका क्या अनुभव रहा सर? अनुभव तो होगा, वो फिल्म बहुत अच्छी आने वाली है, उसकी कहानी मैंने पूरी पढ़ी, स्क्रिप्ट देखा उसका,
बहुत अच्छी लगी कहानी। वक्त बताएगा हमारे एमबीबी स्टेज पे हम उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे फिल्म का एक सिस्टम होता है, लेकिन फिल्म जब बन जाएगी लोगों के बीच में आएगी तो अपने आप ही वो रॉक करेगी। और मैं एक बात एक बात बोलना चाहता हूँ मैं कि एक जनता के सच्चाई के पर्दे पर रख के देखो, सामने रख के देखो कौन खड़ा है, कौन है, कौन बड़ा है, कौन सुपरस्टार है, कौन नहीं है, कुछ जनता बता देगी। हमें किसी अवार्ड के हम मोहताज नहीं है, जनता की ताली हमारा अवार्ड है। कौन सा गाना? तो मुझे हिंदी आता है। मौसम बड़ा बेमान है, बारिश का टाइम है, एक लाइन सुनाना चाहता हूँ, गायक नहीं हूँ मैं। फिर भी आप गाइए। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम, आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है आज मौसम, आज मौसम, आज मौसम। जी आप देखिए हमारे बीच जी नागेश सर के बर्थडे में बहुत हैप्पी अच्छा मिला शो, सब फ्रेंड्स आए हैं और यहाँ पे मैं भी आई हूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगी सर को बहुत हैप्पी बर्थडे टू यू, इनके सारे फ्रेंड्स यहाँ पे आए हुए हैं, समीम सर है और वसीम सर है और पांडे सर है, विजय पांडे से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि आज इनकी वजह से इनके जो इवेंट ऑर्गेनाइज किए लोगों ने, इसकी वजह से हमारा प्रोग्राम सफल रहा, सारे लोग आए एंजॉय किए और थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी, मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया। Oh,
है।